विधानसभा चुनाव 2023 के तहत डूंगरपुर जिले में भारत आदिवासी पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष रोत व 84 विधानसभा सीट से उम्मीदवार राजकुमार रोत ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में पार्टी के जीतने वाले विधायकों द्वारा 60% बजट शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च करने की बात लिखी गई है। वही चुनाव परिणाम में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में उनके मुद्दों और घोषणाओं को समर्थन करने वाली पार्टी को सरकार बनाने में सहयोग की बात कही। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। विधानसभा चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वही नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ उम्मीदवारों की स्थिति भी साफ हो गई है। इधर इसी के तहत भारत आदिवासी पार्टी की ओर से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष रोत व 84 विधानसभा सीट से उम्मीदवार राजकुमार रोत ने BAP पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। भारत आदिवासी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव जीतने वाले विधायकों द्वारा 60% बजट उनके क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च करने की घोषणा की है। वहीं इसके साथ ही TSP क्षेत्र में अंग्रेजी शराब पर प्रतिबंध, सिंचाई की व्यवस्था करवाना, बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय स्तर पर प्रथम रहने वाले छात्र छात्राओं को हवाई यात्रा, वनाधिकार अधिनियम का आदिवासियों को लाभ दिलाने का काम, प्रत्येक ब्लॉक पर निःशुल्क कोचिंग व लाइब्रेरी की व्यवस्था, भीली बोली भाषा बोर्ड का गठन करना, TAD का अलग से कैडर बनवाने सहित 21 मुद्दों को शामिल किया गया है। वहीं इस मौके पर पार्टी के नेताओं ने बताया कि राजस्थान में चुनाव में यदि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और सहयोग से सरकार बनाने की बात आएगी तो जो पार्टी उनके मुद्दों को पूरा करने की बात करेगी उस पार्टी को समर्थन देने की भी बात कही है। BAT-1 आशुतोष रोत जिला अध्यक्ष BAP। BAT-2 राजकुमार रोत उम्मीदवार 84 विधानसभा सीट। भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित समाज व्यवस्था को धरातल पर लागू कराने के लिए हम भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र में लाए हैं। पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली को खनन से बचाकर जैव विविधता संरक्षण करेंगे हम लोग। राज्य के जिस गांव में 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की निवास रहते उस गांव को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कराएंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब की दुकानों की वजह से जो पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं उन झगड़ों को बंद कराने के लिए हम गुजरात की तर्ज पर इस एरिया को अंग्रेजी शराब मुक्त करवाने की डिमांड लेकर के आपके बीच में हैं। राज्य की सरकारी विद्यालयों में गरीब पिछड़े वंचित वर्गों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं इसमें जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक दूसरे जो शैक्षणिक गतिविधियां हो रही है दूसरी जो गतिविधियां कर रहे हैं उन गतिविधियों को हम बंद कराने की बात कर रहे हैं। हमारे दक्षिणी राजस्थान में विभिन्न मुद्दों को लेकर हमारे भारत आदिवासी पार्टी 17 सीटों पर उतरी है। इसके अलावा अन्य 10 सीटों पर हमारे भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं। इस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर 27 विधायक प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं और हमारी टीम पुरजोर तरीके से इन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर काम कर रही है और यहाँ का जो वोटर्स है और हमारी भारत आदिवासी पार्टी है वो तय करेगी राजस्थान की सरकार किसकी बनाएंगे। 27 में से हम डबल डिजिट में जरूर आएंगे, हम डबल डिजिट में जरूर आएंगे। आज हम लोग स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, उस समय की जो सिचुएशन रहेगी कि किसकी सरकार बनती है क्या सिचुएशन रहेगी हमारे मुद्दे रहेंगे और हमारे मुद्दों के आधार पर सरकार उस पार्टी को हम कहेंगे कि जो भी संगठन हमारे मुद्दों को एक्सेप्ट करता है उस संगठन के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो कांग्रेस भी बराबर है, BJP भी बराबर है, बाकी जो पार्टी है वो भी बराबर है।